गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम ये फर्स्ट ईयर विषय जीव विज्ञान यूनिट फर्स्ट जीव विज्ञान विषय के अनुशासन की प्रकृति के अंतर्गत हम आज विज्ञान की अवधारणा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में स्पष्ट परिलक्षित या दिखाई देता है। विज्ञान के अध्ययन द्वारा आज हमारे विचार करने के तरीकों में, रहन सहन में एवं वातावरण में व्यापक परिवर्तन आया है। मानव जीवन के पर्यावरण को समृद्ध और हितकारी बनाने के लिए विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज विज्ञान एक सफल साधक की तरह मानव सेवा में प्राकृतिक रहस्यों की खोज में सतत प्रयत्नशील है। विज्ञान मूलतः कुछ मान्यताओं अथवा पूर्ण धारणाओं द्वारा व्यवहार पर निर्भर करता है। मान्यताएं तथा व्यवहार मिलकर विज्ञान को दर्शन बनाते हैं। प्रकृति के लिए मान्यताएं जैसे वास्तविकता, संगति, कारण, कार्य सिद्धांत तथा बोधगम्यता को भी स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिक खोज की प्रविधियां तथा उत्पादन के बीच की कुछ मान्यताएं स्वीकार की गई है, जैसे बार-बार दोहराना, संभावना, अंतरिम तथा अनिश्चय आदि। इसी प्रकार विज्ञान की कुछ नैतिक मान्यताएं भी हैं, जैसे अनुभववाद, मुक्त सोच, निष्पक्षता एवं मितव्ययता, प्रतिरक्षा एवं प्रासंगिकता आदि ही। इसी प्रकार वैज्ञानिकों की क्रियाओं को विशिष्टताओं और मान्यताओं में भी स्वीकार किया गया है। विज्ञान का दर्शन सामान्यतः निम्नलिखित मूल स्वरूप के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। नंबर वन, विज्ञान की खोज अन्य प्रकार की खोजों से किस प्रकार भिन्न है। नंबर टू, वैज्ञानिकों को अपनी खोज में किन प्रविधियों को प्रयोग में लाना चाहिए। नंबर थर्ड, वैज्ञानिक व्याख्या स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से संतोषप्रद अवस्थाएँ आवश्यक है। नंबर फोर, वैज्ञानिक नियमों एवं सिद्धांतों का संज्ञानात्मक स्तर क्या है। विज्ञान के दर्शन में कुछ अवधारणाएं निम्नलिखित है जिनका समयानुसार संशोधन किया जाता है, जिसके अंतर्गत नंबर वन, प्रकृति के प्रति विज्ञान की अवधारणा, वास्तविकता, संगति, कारण, कार्य सिद्धांत एवं व्यापकता। नंबर टू, विज्ञान प्रविधि एवं विज्ञान रचना के प्रति अवधारणा, पुनरावृत्ति, संभाव्यता, अंतरिम तथा अनिश्चय। नंबर थर्ड, विज्ञान के नैतिक नियम, अनुभववादी, मुक्त मनोवृत्ति, मितव्ययता, प्रतिरक्षा एवं प्रासंगिकता। नंबर फोर, वैज्ञानिकों की क्रिया, चयन करना, अनुभववादी खोज करना, विज्ञान के ज्ञान का विस्तार करना तथा विज्ञान के ज्ञान का संप्रेषण करना, प्रकृति के रहस्योद्घाटन एवं किसी समस्या के समाधान अथवा आवश्यकता की पूर्ति की खोज में लगातार वैज्ञानिकों ने विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान की सीमा का विस्तार किया है। पहले मानव ने अपने स्थूल अनुभवों से उसके विषय में ज्ञान प्राप्त किया है। धीरे धीरे अनेक प्रकार के यंत्रों के आविष्कार से उसके परीक्षण में सहायता भी मिली है। जैसे जैसे तकनीकी यंत्रों के आविष्कार से उसके परीक्षण में सहायता मिली है, जो जो तकनीकी यंत्रों का विकास होता गया, त्यों प्राकृतिक रहस्यों के विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त होने लगा है। चिकित्सा, भौतिक, रसायन, खगोल विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में नए नए आविष्कारों ने अकल्पनीय ज्ञान एवं लाभ प्राप्त हो रहा है। विज्ञान के लिए
नए नए ज्ञान से ही जंतु, वनस्पति, कृषि, भौतिक, रसायन, भौगोलिक, खगोलीय आदि शाखाओं का भी विकास हुआ है। विज्ञान की समस्त शाखाओं में विज्ञान की समस्त शाखाओं से नई नई उप शाखाओं का भी विकास हुआ, विकास होता जा रहा है और आगे भी होता रहेगा। फिर भी कोई व्यक्ति किसी उप शाखा का अंत तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है, इसी को दर्शन कहते हैं। परंतु मनुष्य इन आविष्कारों से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को उस वातावरण में प्रकृति के प्रति समायोजन करने में सफलता प्राप्त करता है, अर्थात उसे सभी विज्ञानों की खोजों से जीवन, प्रकृति एवं वातावरण संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। प्राचीन समय में तर्क, विचार और वैज्ञानिक विकास के उद्देश्य से ही विद्यालयों में भौतिक एवं रसायन विज्ञान विषय पढ़ाए जाते थे। वनस्पति, जीव, आकाश तथा स्वास्थ्य इत्यादि के ज्ञान को ही विज्ञान इत्यादि के ज्ञान को जिनका जीवन से नित्य प्रत्यक्ष संपर्क है, पाठ्यक्रम में स्थान नहीं था। अब आज के वर्तमान युग में हम विद्यालय में स्वास्थ्य, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ग्रह, उपग्रह, मौसम, पशु, भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान का उतना व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं जिसमें मानव जीवन प्रभावित होता है, इसी को विज्ञान कहते हैं। आज इतना ही, कल हम विज्ञान और परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। नमस्ते।